नमो नमः। आज हम संस्कृत श्लोक सीखेंगे। आज का संस्कृत श्लोक नदी के बारे में है। नदी हमारे पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत होती है, इसलिए भारतीय संस्कृति में नदी को जीवनदायिनी माना गया है। यह श्लोक नदी के पानी की पवित्रता और महत्व बताता है। आप नहाने से पहले इस श्लोक का पठन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। मेरे पीछे दोहराइए, गंगे च, गंगे च, यमुने चैव, गंगे च, यमुने चैव। फिर से एक बार, गंगे च, यमुने, गोदावरी, गोदावरी, सरस्वती, सरस्वती। ये नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती। फिर से एक बार, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, नर्मदे, सिंधु, सिंधु, कावेरी। फिर से एक बार दोहराइए, नर्मदे, सिंधु, कावेरी। ये भी नदियों के नाम है, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। नर्मदे, सिंधु, कावेरी, जलेस्मिन, जलेस्मिन, जले अस्मिन, अस्मिन मतलब मेरे, जले मतलब पानी में, जलेस्मिन, सन्निधि, सन्निधि, कुरु। फिर से एक बार, जलेस्मिन, जलेस्मिन, सन्निधि, कुरु। गंगे च यमुने चैव, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, जलेस्मिन, सन्निधि, कुरु। ऐसा यह श्लोक है। इसका अर्थ है, ओ होली रिवर्स, वी आर एड्रेसिंग टू होली रिवर्स, विच रिवर्स, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु एंड कावेरी। दीज आर द नेम ऑफ रिवर्स। प्लीज बी प्रेजेंट इन दिस वॉटर एंड मेक इट होली। आई टोल्ड यू कि आप नहाने से पहले इस श्लोक का पठन कर सकते हैं। हम नहाते समय नदियों को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं कि हमारे नहाने का पानी भी नदी के पानी जितना पवित्र हो। इसमें नदी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो हमें पीने का पानी देती है, इसलिए हम उसे जीवनदायिनी और पवित्र मानते हैं। इसका हिंदी में अर्थ है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। इन नदियों के पानी को हम पवित्र मानते हैं। हम आवाहन करते हैं कि हमारे नहाने का पानी भी ऐसा ही पवित्र हो जाए। अब यहाँ पर जो नदियों के नाम दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं नदियों को पवित्र मानते हैं, हम सारे नदियों को पवित्र मानते हैं। नदी के पानी को ही हम पवित्र मानते हैं। पानी एक ऐसी चीज है जो इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, और इसलिए नदी को हमारी संस्कृति में जीवनदायिनी माना जाता है, और उसका महत्व यह श्लोक हमें बताता है। अब सब लोग हाथ जोड़िए और मेरे पीछे दोहराइए, सीधे बैठिए, एकदम स्ट्रेट,
मेरे पीछे दोहराइए, गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव। फिर से एक बार, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। पूरा श्लोक हम वापस दोहराएंगे, हाथ जोड़िए, सीधा बैठिए। गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस तरह आज हमने इस श्लोक के माध्यम से नदियों के नाम और उनका महत्व जाना। आप इस श्लोक का पठन कीजिए। धन्यवाद। हम फिर